नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ में एक महिला ने अपने संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास से समाज को ये संदेश दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हिम्मत और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कहानी है रेनू यादव की, जिन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कभी हार नहीं मानी। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रेनू यादव जिनके पति ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और जिनकी देखभाल में उनका पूरा जीवन समर्पित हो गया है, ने कभी भी खुद को निराश नहीं होने दिया। उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, घर का सामान बिक चुका था, लेकिन जब परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उन्होंने अपनी मुस्कान को अपना हथियार बनाते हुए संघर्ष की नई राह चुनी। बहुत बढ़िया स्वाद है, मैं जब भी निकलता हूँ इधर से कोशिश करता हूँ कि रुके इडली खाओ जरूर। मैं कहीं से निकलता अगर इधर आता हूँ तो इनकी इडली खाने का ऑटोमेटिक मन हो जाता है टेस्ट के लिए, तो टेस्ट के लिए बहुत अच्छा स्वाद है। मैं जब भी इधर से निकला था तो मुझे भूख लगी तो मैं रुक के खाया तो मुझे टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगा। इवन हम लोग जो स्वाद बड़े बड़े होटलों रेस्टोरेंट में ढूंढने जाते हैं उससे अच्छा स्वाद हमको यहाँ और बिल्कुल कम पैसों में, बहुत रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा स्वाद, बहुत टेस्टी मिला। रेनू ने अपने पति के इलाज के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए इडली सांभर बेचने का फैसला लिया। हर रोज रेनू अपनी स्कूटी पर इडली सांभर का सामान लादकर लगभग 10 किलोमीटर दूर आशियाना के जोनल पार्क पहुंचती है। वहां वह अपनी स्कूटी पर दीदी की इडली का बैनर लगाकर इडली सांभर बेचने का काम शुरू करती हैं। उनका सपना केवल एक ही है, अपने पति का इलाज करवाना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। कैंसर से जूझ रहे पति के इलाज में जो पैसे खर्च हुए उसके बाद उनका परिवार पूरी तरह से आर्थिक संकट में था, लेकिन रेनू ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए बल्कि उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अपनी जीविका के नए रास्ते खोले। हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने रेनू से खास बातचीत की और उनके जीवन के बारे में जाना। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण और स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि दीदी की इडली ये आशियाना क्षेत्र में ये यहाँ पर जोनल पार्क के पास इन्होंने स्कूटी पे ये अपने रोजगार के लिए व्यवस्था की है और किस तरह से इनको सल्यूट करना चाहिए कि एक महिला होने के बाद भी ये अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रही हैं और खुद काम कर रही हैं, इडली सांभर इत्यादि अपने हाथों से बनाकर लोगों को खिला रही हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू यादव है। कहाँ रहते हैं सर? मैं बिजनौर से आती हूँ, यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ सर। मतलब दूर से आती हैं सर? क्या करें, कमाने खाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत से डिशेज ऐसे होते हैं जो अपने यूपी के हैं और साउथ इंडियन डिशेज को चूज किया सर? मुझे बनाना आता था बढ़िया और मैं बढ़िया बना लेती थी। मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मा बहुत आप अच्छा बनाते हो। और बाकी मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये था, मेरा अपना खुद का बिजनेस था, पार्लर था, लेकिन मेरे हस्बैंड को सर ब्लड कैंसर था तो इसी के कारण 1.5-2 साल से उनका इलाज करवाने में मेरा जमीन, घर, गाड़ियाँ सब कुछ बिक गई सर। मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी था, सब कुछ ख़त्म हो गया सर। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूँ, जॉब कर नहीं सकती थी तो मुझे लगा कि कुछ अपना ऐसा करूँ जिससे मुझे तुरंत पैसा आने लगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ, तो मैं जो घर में था वही बस 2-4 हज़ार लगा कि मुझे लगा कि यही करती हूँ, लेके चलती हूँ, शर्म लाज साइड में रखती हूँ क्योंकि कोई खाने को मुझे नहीं देगा। हस्बैंड कब से बीमार है सर? लगभग 1.5 साल हो रहा है। क्या स्थिति है अब सर? अभी तो PGIC इलाज करवा रहे हैं सर, अभी तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बाकी तो सर ऊपर वाला है। सर भी इस तरह की कठिन परिश्रम देखता है ये महिला है। कितने बच्चे हैं सर? मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं सर? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 बच्चे को हम अपने साथ यहाँ बिजनेस के लिए यहीं लाते हैं क्योंकि दूर से लेके आते हैं, लगभग 10 किलोमीटर पड़ जाता है। सब लाते हैं? हाँ सर, सब इसी से ले आते हैं, सब यहीं से ले आते हैं। नाम बताया आपने अपना? सर मेरा नाम रेनू यादव है। रेनू यादव जी, रेनू यादव जी हैं और इनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। पति कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है और इनका पैसा, रुपया, जर जमीन सब कैंसर के इलाज में सब खत्म हो चुका है और आज बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों की शिक्षा के लिए आज ये यहाँ पर चौराहे पर इडली सांभर
की दुकान लगाए हुए और भी अपनी स्कूटी पर लगाए हुए हैं। ये महिला सशक्तिकरण है और ऐसे महिलाओं को यह देखा जाए, सरकार तो प्रदेश की देश की सभी महिलाओं को सशक्तिकरण में ला रही है, उनको स्वावलंबन बनाना चाहती है, किंतु ऐसी महिलाओं को एक अलग से विशेष रूप से कुछ न कुछ सरकार को मदद पहुंचानी चाहिए, समाज सेवी संगठनों को मदद पहुंचानी चाहिए। वाकई आप बहन, आपको सल्यूट है और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके पति जल्दी ठीक हो सकें और ये आपका कारोबार एक दिन एक बहुत बृहद रूप ले ले। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो लोग हमारे समाज में हैं, जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, किंतु अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सभी को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को, अब इनकी दुकान जिस तरह से चल रही है, इनके हाथों में क्या जादू है, जाहिर सी बात है जो भी इधर से गुजर रहा इडली खा रहा है। आपने अभी इडली खाई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया स्वाद है। मैं जब भी निकलता हूँ इधर से कोशिश करता हूँ कि रुके इडली खाओ जरूर। मैं कहीं से निकलता अगर इधर आता हूँ तो इनकी इडली खाने का ऑटोमेटिक मन हो जाता है टेस्ट के लिए। तो टेस्ट के लिए बहुत अच्छा स्वाद है, निश्चित रूप से स्वाद भी बहुत अच्छा है और लोग यहाँ पर इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। भैया आपका नाम? राकेश कुमार जी। आप रेगुलर यहाँ पे इडली खाते हैं? हाँ, मैं जब भी इधर से फर्स्ट डे, तो मैं एक बार इधर से निकला था तो मुझे भूख लगी तो मैं रुक के खाया, तो मुझे टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगा। इवन हम लोग जो स्वाद बड़े बड़े होटलों रेस्टोरेंट में ढूंढने जाते हैं उससे अच्छा स्वाद हमको यहाँ और बिल्कुल कम पैसे में, बहुत रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा स्वाद, बहुत टेस्टी मिला है। स्वाद बहुत टेस्टी है। इसी क्रम में मैं शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ, ये बहन अपनी मेहनत की कमाई से अपने पति का इलाज करा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को भीख मत दीजिए, किंतु जो इनके व्यवसाय हैं, जिनको रोजगार है, उसको बढ़ाने में तो कम से कम मदद कर सकते हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। देखा जाए तो आज रेणु यादव अपने परिवार की जिम्मेदारियों को सशक्त तरीके से निभा रही हैं और उनकी मुस्कान में छिपा दर्द किसी से छुपा नहीं। बावजूद इसके वह हर दिन इडली सांभर बेचने के बाद भी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करती हैं। रेणु यादव जैसी महिलाओं की संघर्ष गाथाएं समाज के लिए प्रेरणा है, जो ये साबित करती हैं कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है। ये कहानी केवल एक महिला की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो मुश्किलों के बावजूद अपने परिवार के लिए जीती हैं और हर चुनौती को अपना साहस बनाकर पार करती हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।